हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि असम से जो चाय है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं एंड असम से आपके गांव तक जो चाय है वो किस तरीके से पहुँचता है। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही बात होने वाला है एंड वो डाउट्स के बारे में बात करेंगे जो डाउट्स आप लोगों को होता है एंड जिसके वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं एंड हम पे भी बहुत सारे लोग डाउट करते हैं जब जब उन्हें माल मिलने में थोड़ा सा देरी होता है या फिर कभी कभी जब जब ट्रांसपोर्टेशन का फेयर जो है वो जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब ट्रांसपोर्टेशन में लेट लेट जो है लेट माल आप तक क्यों पहुंचता है एंड कैसे आप माल को जल्दी पा सकते हो और ऐसा क्या करें कि चाय जो है वो आप तक जल्दी पहुँच जाए और जल्दी मिल जाए। और दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि हम यहाँ से चाय आप तक भेज चुके होते हैं लेकिन लेट हो जाता है आप तक पहुँचने में एंड लेट होने की वजह से बहुत सारे लोग जो नए हैं उन्हें लगता है कि उनके साथ कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं होगा हो गया वो परेशान हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा वो मेंटली क्या बोले बहुत ही मेंटली वो परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें उन्हें ऐसा डाउट होता है कि कहीं उन लोगों ने पैसा डाला है, कहीं उनका पैसा फंस तो नहीं गया, कि कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं गया। तो ये वीडियो आप पूरा देखें एंड आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने एक एक जन है, उनका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, उनको यहाँ से माल गया था, ज़्यादा नहीं था उनका माल, उनका 4 या 5 बोरा था एंड उनका वहाँ पे माल पहुँचने में दुर्गा पूजा के वजह से एंड जैसे कि आपको पता है कि दुर्गा पूजा जब होता है तो 10 दिन के आसपास या 8 दिन के आसपास यहाँ पे बंद रहता है। तो जब दुर्गा पूजा के वजह से उनका जो माल 10 दिन में पहुँचने वाला था जब 20-25 दिन हो गया तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए एंड परेशान होने के बाद उन्होंने कुछ इस तरीके का मैसेज दिया जो कि बहुत ही बचकाना है क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है एंड हम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मैं एक चीज़ एक पर्सनली जो मेरे मन में है वो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हो सकता है एक बहुत साउंड आ रहा है, छोटा सा टेम्पो जा रहा है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा साउंड है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मतलब ये मेरे मन में है कि हो सकता है कि आपकी वाइफ, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी आपको धोखा दे दे लेकिन विनय सिंह या मेरी जो कंपनी है यहाँ से आपको एक पैसे का भी कभी भी धोखा नहीं होगा। तो ये बात है, आप अपने घर वालों पे भरोसा करो या ना करो लेकिन विनय सिंह पे आप भरोसा कर सकते हो, आपका एक पैसा भी यहाँ पे नहीं डूबेगा। हो सकता है सर्विसेज में कभी ऊपर नीचे हो जाए, जो माल आपको 10 दिन में पहुँचने वाला है वो 15 दिन में पहुँचे, 20 दिन में पहुँचे, तो वो जो बदमाशी होती है, कुछ बदमाशी ट्रांसपोर्ट के तरफ से भी होती है। और जिस तरीके से मैं अभी जीवन देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। तो मैं एक चीज़ आपको ब्लाइंडली बोलना चाहूँगा, खुल के बोलना चाहूँगा कि आप भले ही अपने पत्नी पे भरोसा ना करो, अपने भाई पे भरोसा ना करो लेकिन हम पे आप भरोसा करो क्योंकि यहाँ पे आपके साथ एक पैसा का भी धोखा नहीं होने वाला है। अप्स एंड डाउन्स हो सकता है क्योंकि ये बिज़नेस है एंड जो काम कर रहे हैं वो लोग ही कर रहे हैं। अभी जैसे कि आप सब पीछे ये ट्रक देख रहे हो, ये जो ट्रक है इसमें भी थोड़ा सा ये बैग्स है लेकिन ये अभी अभी ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये जब तक फुल नहीं होता इसको फुल होने में कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा एंड जब ये फुल हो जाएगा तब ही ये जो ट्रक है ये निकलेगा। आज के ज़माने में जब कोई नया काम करता है तो उसके साथ धोखा होता ही है लेकिन अगर आप विनय सिंह से काम कर रहे हो, चाय में अगर आप घुसे हो और आपने पहला ऑर्डर आपने विनय सिंह को दिया है या हमारे कंपनी को दिया है तो आप 100% श्योर रहो कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होने वाला, कोई आपको 150 का चाय 200 में नहीं मिलने वाला या 100 रुपये का चाय आपको बहुत सारे लोग 100 रुपये का चाय भी 200 में सेल कर देता है, ऐसा कुछ भी फ्रॉड आपके साथ नहीं होने वाला। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ मार्केट में सबसे सबसे सस्ता चाय मैं ही दे रहा हूँ एंड वो भी क्वालिटी के साथ एंड ऐसा नहीं कि एंड वो भी बहुत ही जो छोटे लोग हैं उन जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने का दम नहीं रहता वो भी बहुत ही अच्छी चाय कम रेट में लेके जा पा रहे हैं, ये ऐसा मुझे लगता है एंड ऐसा इसका बहुत सारा प्रूफ भी है। जिन लोगों का चाय गया है वो ये बात जानते हैं, अगर वो क्रॉस चेक करते हैं तो 5 रुपये 6 रुपये में हम लोग कितने सारे लोगों को हमने ज़्यादा नहीं 2-4 बैग भी किसी को चाहिए तो वो हमने दिया है, हेल्प किया है। और ऐसा नहीं बोल रहा कि जैसे कि कोई लो प्राइस का चाय हो जो 120 का हो और मैं 140 में दे दूँ, आप बोलोगे बहुत ही है, अगर 120 का वो चाय है तो आपको 120-122 में ही मिलेगा, वो कभी भी 140-150 तक नहीं जाएगा। और आने वाले दिनों में जब अभी अभी इस साल थोड़ा मेरा फैमिली प्रॉब्लम्स एंड अदर प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग का ग्राफ थोड़ा डाउन था लेकिन आने वाले समय में मैं इस बात को बहुत ही ज़ोर शोर से एडवर्टाइज़ करने वाला हूँ कि हम लोग सबसे पूरे आसाम में सबसे कम प्राइस में चाय देते हैं एंड बहुत ही बेहतर क्वालिटी देते हैं। उस जो जो चाय में जो जिस प्राइस में चाय हम दे देते हैं
वो उस प्राइस में कोई और इंसान नहीं दे सकता है, भले ही वो उनका ओहदा कुछ भी हो, चाहे वो बहुत ही पहले से हो। लेकिन अभी हम ये बात को पूरा दावे से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने हम लेकिन आने वाले समय में हम इसे पूरे दावे के साथ पूरी जगह फैलाएंगे। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस चलते हैं एंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों आसाम में ना 3 से 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं। सारे जैसे कि अभी जो पीछे आपके पास है ये सिर्फ चाय में डील करते हैं, ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट सिर्फ चाय में डील करते हैं। और जो 4-5 टाइप के जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, कुछ सर्विसेज कॉस्टली होंगे, कुछ सर्विसेज जो है वो चीप होंगे, और कुछ सर्विसेज बहुत जल्दी आपको माल पहुंचा देंगे, एंड कुछ बहुत ही लेट से थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे। एंड कुछ कुछ ट्रांसपोर्ट में आपका जो माल रहता है वो ज़्यादा सेफ रहता है, एंड कुछ में अनसेफ रहता है। एंड सबके फेयर्स अलग है, सबके ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज अलग है, और डिलीवरी का टाइम अलग है, एंड एंड कौन सा आपको चूज़ करना है, आप कौन सा चूज़ करते हो और उसमें क्या, तो उसके बेसिस पे ये तय होता है कि आपको कैसा सर्विसेज मिला। अगर आपने ऐसा ट्रांसपोर्ट चुना है जो 15 दिन में माल पहुंचाएगा लेकिन माल सेफ रहेगा, तो आपको माल 15 दिन में ही मिलेगा, एंड सेफ भी मिलेगा, एंड चीप भी प्राइस होगा। एंड अगर आपको ज़्यादा बहुत ही जल्दी चाहिए तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़े, 4 से 5 रुपये ज़्यादा देना पड़े। तो इस तरीके से काम होता है। एंड दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारी कंपनी नहीं है, ट्रांसपोर्ट एक अलग कंपनी रहती है, वो उनका काम अलग रहता है, हमारा काम अलग रहता है। हम चाय में डील करते हैं, हम चाय मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ब्लेंड करते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम आता है उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं रहता। हम बस आपको बता सकते हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्ट कैसा सर्विसेज है, एंड को बेस्ट से बेस्ट आपको सर्विस देने की कोशिश कर सकते हैं। अब चलिए डिटेल्स में जानते हैं और समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज को, ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग सर्विसेज को, एंड ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स को। तो दोस्तों टोटल 4 टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। पहला जो होता है वो रेगुलर ट्रांसपोर्ट, इसमें आता है आप समझ लो गति हो गया, VRL हो गया, TCI हो गया, ओम लॉजिस्टिक्स हो गया, जो रेगुलर ट्रांसपोर्ट है जिसे बहुत सारे माल एक साथ जाते हैं वो रेगुलर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। सेकंड कुरियर सर्विसेज, आजकल बहुत सारे जो बड़े बड़े कुरियर सर्विसेज है वो भी आजकल चाय सप्लाई करते हैं, चाय को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तीसरा चाय के स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट जो सिर्फ और सिर्फ चाय चाय के काम में ही लगे हुए हैं, एंड जिनके ट्रक से सिर्फ और सिर्फ चाय चाय ही जाता है और कुछ मटेरियल साथ में नहीं जाता। एंड चौथा जो टाइप है वो है ट्रेन्स एंड अदर्स। अब रेगुलर ट्रांसपोर्ट को थोड़े से डिटेल में जानते हैं। ये एक रियल एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चाय है ये मैं एक जन को सेंड करने वाला हूँ तमिलनाडु में। तो ये आप चाय देख रहे हो, ये एक अभी रेगुलर ट्रांसपोर्ट में जाएगा, अभी यहाँ इसकी अनलोडिंग होगी और ये अनलोडिंग हो चुका है। अब आप देखो ये जो चाय जा रहा है इसके आसपास और बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स हैं, जैसे कागज़ हो गया, कुछ और मेटल का कोई चीज़ हो गया, लोहा लक्कड़ हो गया। एंड ये आप देखो ये एक और रेगुलर ट्रांसपोर्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें तो कुछ आई डोंट नो इसके अंदर क्या, एंड केमिकल्स भी है। तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगता है इन ये VRL या फिर जो अदर रेगुलर ट्रांसपोर्ट है इनका, इनमें चाय जो है वो बाकी चीज़ों के साथ जाता है, लेकिन इनका जो एडवांटेजेस है, जो जो इनका बेनिफिट है वो ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ये माल बहुत ही जल्दी डिलीवर कर देते हैं, एंड बहुत सारे पिन कोड्स पे, बहुत सारे एरियाज में इनका जो सर्विसेज है वो बहुत ही अच्छा है। एंड सबसे फास्ट अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो आप गति, VRL या फिर ओम लॉजिस्टिक्स टाइप के जो ट्रांसपोर्ट है उनका सर्विस ले सकते हो। और जो प्राइसेस हैं, जो भाड़ा होता है, जो फेयर है, वो आपको जो चाय का ट्रांसपोर्ट है उससे 2-4 रुपया हो सकता है आपको ज़्यादा देना पड़े। सो आप सर्विस ले रहे हो तो हो 2-4 रुपये ज़्यादा लगेंगे ही। अब अगर चाय के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये आप देख सकते हो चाय का ट्रांसपोर्ट, इसमें ये पूरा ट्रक सिर्फ और सिर्फ चाय के बैग से भरा हुआ है, एंड निकलने के लिए रेडी है। एंड ये जो है ये जो ट्रक है ये अभी नहीं निकलेगा क्योंकि ये फुल नहीं हुआ हुआ है। एंड चाय के जो ट्रांसपोर्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ चाय ही जाता है और कुछ नहीं जाता है। एंड अगर आपने हम लोगों से ऑर्डर हम लोगों को ऑर्डर दिया है तो 90% चांसेस है कि मैं आपका चाय इन ट्रांसपोर्ट से ही भेजूंगा। इनके जो लेबर्स रहते हैं वो बहुत ही अच्छे से स्किल रहते हैं चाय के जो बैग्स है उसे हैंडल करने में,
एंड थोड़ा सा कभी कभी यहाँ पे आपको देर लग सकता है चाहे इन ट्रांसपोर्टों से अगर आप तक माल पहुँचने में, और कुछ रिमोट एरियाज में इनका सर्विसेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट यही ट्रांसपोर्ट रहता है। तो प्राइस और फेयर की बात करें तो सबसे कम इनका ही रहता है, अगर आप अच्छे से डील करते हो तो ये काफ़ी कम प्राइजेस में बहुत ही ज़्यादा मेहनत वो आप तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये जो गाड़ी फुल हो रहा है ये है बजाज परिवहन का। तो चलिए कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ चाय का ट्रांसपोर्ट के, जो कि सिर्फ चाय में डील करते हैं, उसमें से एक है बजाज परिवहन, बजाज एक्सप्रेस एंड ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट्स, और भी कुछ कुछ ट्रांसपोर्ट्स हैं। सहारनपुर अगर आपका माल यहाँ से आ रहा है, इस ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो आप याद रखो कि ये थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि इनका जब तक ट्रक फुल नहीं होता तब तक ये जाते नहीं है, एंड आपका माल जो है वो काफ़ी सेफ रहेगा। एंड एक और बात है, जो बड़े कंपनीज है जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एक बहुत ये कम से कम इसके अंदर 8 टन माल है, ये एक बड़ी कंपनी को जा रहा है। सो जो जितने भी बड़े कंपनीज है, टाटा हो गए या फिर कोई बाग वगैरह हो गया, सबका जो माल जाता है वो चाय के ट्रांसपोर्ट से ही जाता है। सिर्फ छोटे लोग ही रेगुलर ट्रांसपोर्ट VRL एंड अदर ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं। एंड अब ट्रेन की बातें करें तो दोस्तों, ट्रेन से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, एंड लेकिन दोस्तों सबसे मुश्किल मुझे ट्रेन से जो चाय जाती है वही लगता है। एंड इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे जवाबदेह कोई अकाउंटेबल बहुत सारे लोग नहीं होते, एंड और जो चाय की हैंडलिंग होती है, जो स्टॉक्स की हैंडलिंग होती है, वो भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं होती, एंड चोरी का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेन से मंगाना है तो आपको एक एजेंट से बात करना पड़ेगा, बहुत सारे एजेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड वो आपका काम आसानी से कर देंगे।